इसमें कोई शक नहीं है कि जो ह्यूस्टन की शाम को होने जा रहा है वो इतिहास में पहली बार है। रविवार को हो रहे हाउडी मोदी कार्यक्रम में 50,000 अमेरिकियों के आने की उम्मीद है। साथ ही वहां ऐसा पहली बार होगा कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसे राजधानी से बाहर दूसरे देश के प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को दोनों देशों के बीच उभरते हुए घनिष्ठ आर्थिक और सामरिक संबंधों के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि डिजिटल युग में कूटनीति का ये दिखावा बंद कमरे में होने वाली वास्तविक राजनीति के आगे असफल हो जाता है। हकीकत वो है जो उस बंद कमरे में तय होती है और जो हमेशा से एक मुश्किल काम रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमेरिका में दूसरे वर्गों से ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे एशियाई समुदाय से मिलने वाले फायदे को नज़रअंदाज राष्ट्रपति ट्रंप कभी नहीं करना चाहेंगे। दरअसल अमेरिका में मौजूद इस वक्त 20% एशियाई समुदाय का झुकाव अमूमन डेमोक्रेटिक की तरफ रहा है। इस समुदाय में भारतीय भी शामिल हैं। अगर इस समुदाय का थोड़ा भी झुकाव रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाता है तो इससे ट्रंप को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और हाँ, आपको बता दें कि बहुत जल्द हम एक इतिहास का चैनल भी लेकर आने वाले हैं। पूरे